मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि जल विद्युत परियोजनाओं के साथ में देहरादून मसूरी के लिए ट्रेन चलाने के बारे में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड के विकास की कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है, ऐसे में कई बड़ी योजनाओं की जल्द सौगात मिल सकती है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री जी से कल उनकी मुलाकात हुई है और क्योंकि लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनको शुभकामनाएं देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष स्नेह है, विशेष प्यार है, इसीलिए वो समय समय पर उत्तराखंड को कुछ ना कुछ सौगात देते रहते हैं। समय चाहे वो ऑल वेदर सड़कें हों, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो या एयर कनेक्टिविटी को लेकर के उड़ान योजना हो, इन पर तेजी से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में मानस खंड जो हमारा महत्वपूर्ण टूरिज्म की दृष्टि से भी, उत्तराखंड की आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, उसको लेकर के भी 1000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसकी मांग भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी से की है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तराखंड की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए धामी सरकार और मोदी सरकार मिलकर के उत्तराखंड को संवारने का काम।